सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, ओप्पो A37 में बहुत हैंग प्रॉब्लम आता है, तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि ओप्पो A37 में आप अपने वायरस को कैसे हटा सकते हो। तो वीडियो पूरा देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको तीन टिप्स बताऊँगा, वो तीनों टिप्स आपको फॉलो करना है। तो टिप नंबर वन है वायरस स्कैनर ऐप, जो आपको परमानेंट सॉरी मिलता है मोबाइल के ऐप में। तो आपको स्कैन करना, अगर आप स्कैन नहीं करोगे तो आपका मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाएगा। तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता है, आप ज़रूर करिए फ्रेंड्स। तो अगर आप करते नहीं परमानेंट, तो ये आपको परमानेंट करना है। और मैंने चेक भी किया हूँ, अगर मैं करता नहीं, फिलहाल एक दिन मैंने किया नहीं था, तो उसमें जो वायरस थे फिलहाल बहुत मोबाइल में हैंग करता था, और जब मैंने किया तो चलने बराबर लग गया मोबाइल। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो टिप नंबर टू की बात करते हैं। टिप नंबर टू में आपको करना है क्या, ये हमारा जो है फाइल, फाइल में आपको जाना है। ऑल फाइल्स में जाने के बाद में आपको एंड्रॉयड दिख जाएगा, एंड्रॉयड फाइल। तो ये सामने एंड्रॉयड फाइल है, यहाँ पर बहुत से डाटे में वायरस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं देखो आपको बताता हूँ, तो ये आपको ये सब WWW टैग, ये सब व्हाट्सअप, सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पर। तो इसको क्या करना है, यहाँ से आपको डिलीट मार देना है। तो ये जो डिलीट हो जाएगा, थोड़ा हैंग प्रॉब्लम है ना फ्रेंड्स, तो कम हो जाएगा। सो इस तरह से आपको फॉलो करना है। तो वीडियो को स्किप मत करना फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगा। तो टिप नंबर तीन बहुत अहम चीज़ है, वो ज़रूरी है। तो टिप नंबर तीन में आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको वही फिर से सिक्योरिटी सेंटर में आगे जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन दिख जाएगा सेल्फ का। तो यहाँ पर आप, अगर आपका ऑफ है तो आपको अवेयर डे पे करना है, यहाँ पर जैसे मैं किया हूँ उस तरह से। और उसके बाद में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको वाईफाई का ऑप्शन है, वायरलेस तो डाटा कनेक्ट। तो इसको अगर आपका ऑफ है तो आपको ऑन करना है, क्योंकि ये हमारा मेन चीज़ है। और नीचे जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर द वायरस। अभी तक मेरे इसमें वायरस नहीं है, फिलहाल मैंने क्लीन ज़रूर किया था। तो यहाँ पर अगर आप डाटा जैसे क्लीन करते हो तो आपका डाटा वाटा सब क्लीन हो जाएगा। तो यही जो तीन टिप थे जो फॉलो करने हैं आपको, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।